वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आज आपके साथ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जामिया फुल टाइम यानी M45 MBA फुल टाइम MBA IB और MBA एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस का लिस्ट आ गई आज, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो ये आज की डेट में अभी आई थी, ये लिस्ट है पूरी। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जामिया ने अपनी जो आंसर की है वो रिवाइज कर दी है। तो जैसा आप देखेंगे, ये पहले M55 की सेट डी की मैं आपको एज ए एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि ये पहले जो आंसर की जामिया ने दी थी वो है ये। तो स्टूडेंट्स ने क्या कर रखा है, अपने मार्क्स इसके हिसाब से निकाल रखे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन में नाम नहीं आया, इतना स्कोर था या फिर इतने कम मार्क्स थे, उन बच्चों का नाम आ गया। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए, अपने लॉगिन आईडी पे जाइए और उसमें से फिर से चेक करिए। देखिए, ये पहली ओल्ड वाली थी और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो रिवाइज्ड आंसर की है। रिवाइज्ड आंसर की मुझे अभी स्टूडेंट ने भेजी है। उन स्टूडेंट के पहले 34 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब ये जब इस आंसर की को उन्होंने देखा है तो इस आंसर की के हिसाब से उनके मार्क्स आ रहे हैं 47। यानी इतना डिफरेंस है। ये देखिए, इसमें कई सारे बीच में क्या है ये स्टार के साइन बना रखे हैं, स्टार साइन, बहुत सारे क्वेश्चंस में स्टार साइन बना दिया है। और नीचे लिख दिया क्वेश्चन इज कैंसिल्ड एंड वन मार्क विल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स। यानी हर कैंडिडेट्स को इन आंसर की जगह पे क्या वन मार्क्स अलॉट कर दिया है। तो जो पहले कई बच्चों के आंसर कम इसलिए हो रहे थे कि इन क्वेश्चन जो गलत थे, जिनको जामिया को पहले ही हटा देना चाहिए था, उसकी जगह उन्होंने कुछ आंसर मार्क कर रखे थे। तो जब स्टूडेंट अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहा था तो वो उन रॉन्ग आंसर की वजह से उसके मार्क्स बहुत कम हो रहे थे। लेकिन जिन्होंने इस आंसर को सही किया था या मार्क नहीं किया था, ये छोड़ दिया था कि ये गलत क्वेश्चन है, अब उनके क्या हुए, सारे मार्क्स ऐड हो गए हैं वो। तो इसके हिसाब से पहले आप सबसे पहला काम ये करिए कि अपने मार्क्स फिर से रिवाइज करके देखिए कि अब कितने बन रहे हैं। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, ये जामिया जो हमारी लिस्ट है उसको हम चेक करेंगे कि फाइनल लिस्ट में कितने बच्चों के नाम आए हैं। तो फाइनल लिस्ट में देखिए, ये रही फाइनल लिस्ट, मैं जूम कर लेता हूँ दिस वन। ये लिस्ट है आज की डेट में आई है। डेट ऑफ इंटरव्यू देखिए 25 अक्टूबर से यानी शुरू है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन बुलाया है। रोल नंबर 1285, देन 1286 to 170, ऐसे करके 513 यानी 513 बच्चों को बुलाया गया है। वही उसमें है जो कि पिछले हमारे सेम इंस्ट्रक्शन है, जो दिल्ली और NCR से हैं उनके पास ऑप्शन है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दे सकते हैं। ईमेल करना होगा उन्हें बाय अक्टूबर 16, 16 अक्टूबर से पहले पहले। और जो दिल्ली और NCR में है उनसे कहा गया है कि वो इंटरव्यू इन पर्सन ही दे। सेम चीज़ है कि ओरिजिनल और सेट ऑफ फोटो स्टेट कॉपी लानी है आपको, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मुस्लिम OBC ST की अपनी कैटेगरी है, PWD की, कश्मीरी माइग्रेंट्स की, प्रूफ ऑफ एज, सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल और सेकेंडरी एजुकेशन, प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफिकेशन विद मार्कशीट चाहिए, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये सब चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट एंड करेक्ट कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। ये देखिए लास्ट वाला पॉइंट ऑनलाइन वालों के लिए, कैंडिडेट्स 10th नंबर पॉइंट, कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्मेट एट दिस बाय अक्टूबर 16। यानी 16 अक्टूबर से पहले वो अपनी चॉइस भी भेजेंगे और जो ऑनलाइन दे रहे हैं वो अपने साथ उनमें को डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होंगे। ये इंस्ट्रक्शन है और ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ये रोल नंबर है, ये सब मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें सब अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, जामिया की ऑफिशियल साइट से भी जाके देख सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है 513 स्टूडेंट्स की। और लास्ट में इसके बाद और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बस यहीं पे लिस्ट खत्म हो जाती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सब बच्चों का जिनका नाम इसमें आ गया है। जिनका नाम नहीं आया, प्लीज वो एक बार क्या करें, अपनी लॉगिन आईडी पे जाके रिवाइज्ड जो जामिया की आंसर की है उसके हिसाब से आप चेक कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेज। आप अपने चैनल्स के साथ जुड़े रहिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जामिया और MBU के।